وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

ल आज का मौजू क्या अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की जिंदगी की कामयाबी के लिए नहीं पैदा किया इसके साथ आज के सबक का आगाज़ करते हैं सबसे पहले गुज्ता सबक का इरादा होगा बस आप अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र फरमाइए और मछली वाले पैगंबर यूनुस असलाम की तरह दिल गिरफ्तार न हो जब उन्होंने अल्लाह को पुकारा इस हाल में कि वो अपनी कौम पर गमो गुस्से से भरे हुए थे لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر أُنْكِ کے رب کی رحمت و نعمت ان کی तो वो जरूर चटियल मैदान में फेंक दिए जाते और वो मलामत सदा होते मगर अल्लाह ने उन्हें इससे महफूज रखा फिर उनके रब ने उन्हें बरगुजीदा बना दिया और उन्हें अपने कुर्ब खास से नवाज कर وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आप आपको तो अपनी हाथ से दाना बद नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है इल्ला और वो क़ुरान तो सारे जहानों के लिए नसीहत है ये भी मक्की सूरत है और मक्के के चार तकरीबन चार नबी के आखिर या पांच नबी के आगाज़ में इसका शान नज़ुल है और इसमें मजमून ये है इस सूरत में अब जाहिर है कि उस वक्त आप देखें यानी जिस वक्त ये आयात नाजिल हो रही थी मक्के का दौर था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश कर दी लेकिन उनको दावत का तस्दीक नहीं बल्कि तकजीब की गई आम तौर पर और हज़ूर सल्ला वम ने उनको डराया तो था आपको मालूम है तीसरी जो था ना तीसरा साल तीसरे साल में खुली तबलीग शुरू हो गई और कोहे सफ़ा पे चढ़ के हजूर सल वम ने अपनी कौम को अल्लाह के आज़ाब से डराया कि तुम पे आज़ाब का लश्कर आने वाला है उससे बचाओ की तदबीर कर लो देखें हक़ को इंसान अब देखें एक तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप वो माहौल जिसमें ये आ, उसको तो आप याद तो रखें लेकिन इसको अपने लिए समझें देखें हिदायत इंसान को देने वाली अल्लाह ताला की जात है और उसकी वजह ये है कि इंसान अपने दिमाग से अपना अपनी मंजिल को नहीं पहचान सकता हमारे अलावा जो जितनी भी मखलूक हैं आ, कीड़े मकोड़े ये तमाम कायनते सूरज चाँद सितारे इनको अल्लाह ताला इनके बारे में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है क्ल क़द आलमा सलाताह व तस्बीहा हर एक मखलूक़ अपना अपनी नमाज और अपनी तस्बीह जानती है यानी जिस मक़सद के लिए वो पैदा की गई है और वो मकसद उसने कैसे करना है ये मज यानी अल्लाह ने उसमें डाल दी है इस बात की तो तफसील की ज़रूरत ही नहीं है यानी इतनी खुली और इतनी वाज दलील है कि दाने को पता है मिसाल के तौर पर गंदम का दाना है या आम की गुठली है या जामन की गुटली है या खरबूजे का बीज है उसको मालूम है कि मैंने मेरा मैं यानी मेरा मैं क्या चीज़ हूँ और मैंने क्या करना है यानी ये उसमें फीड किया हुआ है ये इसी तरह है कि आप एक प्रोग्राम फीड कर देते हैं या आप एक यानी जो भी होता है तो बस वो फिर वो उस फीडिंग के तो देखें ये शुरा जो है ये मेरे लिए और आपके लिए मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इसमें तस्करा तो है क़्यामत का और फिर आ, अगर आप पढ़ेंगे कजबत समूद यानी जिन कौमों पर अल्लाह ताला के आजाब आए उनका तस्करा है लेकिन मैं ये पूरे यकीन से ये नहीं समझता हूँ अपने तय कि ये इस मजमून को हम अपने लिए नहीं समझते बल्कि रिवायती तौर पर इसकी तलावत भी करते हैं तर्जुमा या दर्स वग़ैरह और बस ये एक कान से निकाल डाल के सुन के और दूसरे कान से इसको निकाल देते हैं उसकी वजह यह है कि ये कौम समूद और आद हम ये समझते हैं कि भाई हम तो नहीं हैं जुटलाने के यानी इसमें मज़मून यह है सूर्य हाक का में यानी इब्तई तौर पर जिन लोगों ने पैगंबर की दावत को नजरअंदाज कर दिया और उसको जुटलाया तो वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो गए किस तरीक़े से हुए वो भी बता रहे कजबत समूद व आदम बिलकारिया वम्मा समूदो फली को बिताग़िया व अम्मा आदम फ उहली को ब्रि हिन्न सरसर नातिया सख रहा आलिम सब आल आलम वसाम सरा का अन हम आजाज़ नाविया फहल तराल हम बाया व जामन क़बल तफ़िकात बिलख़ातिया फ़ासा रसूल रब हिम फ़ाज़ हम अखज़ तर रबिया इन्होंने अपने रसूल की तकजीब की और अल्लाह तल ने इनको बड़ी सख्त पकड़ से आ पकड़ा हमारे हमारे जो जहन है ना असल में मैं आपको अपनी जिस कौम में हम रह रहे हैं ये कौम एक गाफिल कौम है और ये एक सोयी कौम है फिर ये है कि ये जाहिर दुनिया पर इसने धोखा खा लिया है तो कुरान के मज़ामीन के यानी इसमें कोई कशिश नहीं बाकी रही हमारे लिए देखें ये तो हिदायत है मतकीिन के लिए और मतकी हम बनना नहीं चाहते हम तो दुनियादार दुनियादारी हमने अपने लिए पसंद कर ली है और दुनिया ही के लिए सोचते हैं समझते हैं कहीं भी आप देखें यानी दुनिया ही के मसाइल जो हैं आ, वो मतलब हमारे ज़ेर ग़ौर आते हैं यूट्यूब चूँकि हमारा दर्ज भी चलता रहता है बाज़ अवकात ना चाहते हुए भी बाजे ऐसे मजामी मसा, आ जाते हैं कि वो लाल यानी उनके जो मौजूद हैं वो लालची होते हैं और उनके फिर लाल यानी वो लालच देते हैं मिसाल के तौर पे आप YouTube से दो लाख रुपए महाना या तीन लाख रुपए महाना किस तरह कमा सकते हैं ये तो एक बड़ा वो है आ, फिर आप ऐसा कारोबार वो मौजू में लिखा होता है ना बड़ा बड़ा कि एक महीने में दो लाख रुपए कमाइए कोई और कारोबार ज़रूरी नहीं है अभी मैंने पढ़ा था कि आप कुल्फ़ी की दुकान खोल लें तो डेढ़ लाख रुपये आपको बचेगा यानी पाँच हज़ार रुपये रोज़ाना और बचेगा और यानी एक लाख पच एक लाख पचास हज़ार रुपये पाँच पंद्रह एक लाख पचास हज़ार रुपये तो अब उनके वीवरस मैं देख रहा था वो बेशुमार थे मैं अपने क़ुरान के वीवर्स को देखता हूँ तो वो कहीं दो होते हैं कहीं नौ वीवर कभी सात आठ दस तक होते हैं देखें ये इसकी वजह क्या है इससे हमारी दिलचस्पियों का पता चलता है कि हमारी दिलचस्पी किस में है हंसने हंसाने के प्रोग्राम हमें पसंद आते हैं यानी ये जो यूट्यूब देखते हैं वगैरह यानी मैं तो तज् करता रहता हूँ ना हंसने हंसाने के प्रोग्राम कोई दीन में दीन का दीनी बात कर रहा है लेकिन वो क़स्सों की मदद का सहारा ले रहा है और किस्से बयान फोरें तो बहरहाल मुझे तो उससे कोई वो नहीं है मतलब यह है कि क़ुरान की अलावा जो है आप किसी का बुज़ुर्ग का किस्सा बयान कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के आप जो है तो बहरहाल उसके जो है अब दीनी जो मुजाकरे वो मनाजरे होते हैं दो मस्थ मुख्तलिफ़ मसलक आपस में बैठ के तकरीबन वो मुर्गों वाली लड़ाई होती है एक एक भी ऊँचा ऊँचा बोल रहा होता है दूसरा उसके बहुत ज़्यादा वीवर होते हैं फिर आप देख लें ये हसन को संवारने के और रंग निखारने के मौजूद हैं उसके हज़ारों लाखों वीवर हो जाते हैं और इसी तरह देख लें मतलब मैं आपको कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ कि ये जो मज़ामीन आ रहे हैं सूर्य ये तमाम सूरतें जो हैं ये हम बिल्कुल नहीं समझते कि ये हमारे लिए आयत नंबर दस है इस उसकी ना इस सूरत की अभी तो इनशा तफसीली हम बात करेंगे इस पर लेकिन सूरत का जो तमहीदी मजमून मैं बयान कर रहा हूँ आपको वो ये है सूर आयत नंबर दस में इसी सूरत की क्या मजमून है फासाओ रसूल रब्ब हिम उन्होंने अपने रसूल की नाफ़रमानी की तो उसका नतीजा क्या हुआ मैंने उनको बड़ी सख्त पकड़ से पकड़ लिया फ आखा हम अखजतर राबिया अब यही सूरत का मज़मून है लेकिन हम तो समझते हैं कि हम तो तकजीब करने वाले तो नहीं हैं। और हकीकत यह है कि हमने तो रसूल की दावत को सुना भी नहीं है यानी बहुत से लोग ऐसे होंगे या आप सवाल कर लेना किसी से भी अपने अड़ोस पड़ोस में या बड़े से या जवान से कि भाई रसूल की दावत है क्या असल में वो आपको जवाब नहीं दे सकेगा उसकी वजह यह है कि हम तो हमने तो दीन के मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया है उसकी वजह क्या है कि हमने जाहिर को पसंद कर लिया है कि हमने जाहिर के बारे में जाहिर हमें अच्छी अच्छा लगता है और इसी के बारे में हम सोचते रहते हैं हर एक बात के बारे में तहक़ीक करेंगे और खूब तहक़ीक़ के बाद आप मिसाल के तौर पे आपका बच्चा जब स्कूल में जाने का होता है तो आप कितनी तहकीक़ात करते हैं कि किस स्कूल में इसको दाखिल कराया जाए और बहुत से वालदे अपनी हैसियत के मुताबिक स्कूल का फिर इंतखा करते हैं लगे कि क्या मतलब एक पेरेंट्स के पास अगर महंगे स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कभी भी सस्ते स्कूल में बच्चे को नहीं डालेंगे उनका मानना यह है कि ये महंगा स्कूल जो है आ, मेरे बच्चों की तालीम अच्छी करेगा इसकी डिग्री अच्छी है ये स्कूल अच्छा है इसका तरीक़ार अच्छा है लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि जितने भी एलिट क्लास वाले स्कूल होते हैं वो दीन को अहमियत ही नहीं देते उनके यहाँ बच्चे पढ़ के जो है ना वो बदखलाक बन रहे हैं ये तो मेरे यानी मुझे भी मालूम है आपको भी मालूम यानी दीन के अखलाक उनका क्या वास्ता जो आला स्कूल हैं जो ऊंची-ऊंची फीसें हैं और लोग दे रहे हैं वो असल में अखलाक अपनी औलाद को अखलाक बाखता करने का आ, काम कर रहे हैं उनकी नज़र में तो ठीक है रोशन ख़्याली है हमारे यहाँ एक हवा चल चल निकली है कि रोशन ख़्याली होनी चाहिए ख़वातीन जो हैं सर से दुपट्टा उतार के और खूब जो है स्लीवलेस या हाफ़ स्लीव आस्तीन पहन के और को खुला रख के यानी आपको मालूम है ये क्या हो रहा है अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो अलग है वो ये है कि असल में तो हमने समझा ही नहीं है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को और न उसको सुनने के लिए तैयार भी नहीं है रसूल की दावत कभी आपने खोज लगाया है कभी इंटरनेट पे लाखों मौजूद है कभी आपने ये लिखा है कि रसूल की दावत क्या है वो गूगल में आपने कभी ऐसा लिखा है या आपने किसी से पूछा है या आपने पूछने की ज़रूरत महसूस की है नो नॉट एट ऑल हमें क्या वास्ता है रसूल की दावत क्या है रसूल और उनका उसवे हसना उससे हमारा क्या लेना देना रसूल और उनकी बातें उससे हमारा क्या लेना देना यानी हमारी जो अमली ज़िंदगी है वो ऐसी है रसूल की दावत की हम तकजीब कर रहे हैं रसूल की नाफ़रमानी करके हम अपने आप को रोशन ख़याल समझ समझते हैं तो ऐसी रोशन ख्याली जो है यानी आप देख लें ऐसी तमाम दुनिया जो है ऐसी यही रविश उन्होंने इख्तियार कर ली है कि रसूल की नाफरमानी और आज जो मैं सूरत यानी हम आगाज़ करने वाले हैं और आज उसका तमहीदी मज़मून है उसमें हम तो फाशा व रसूल रब यह आयत नंबर दस है ना इन्होंने अपने रसूल की नाफ़रमानी की उनको मैंने तबाह कर दिया अच्छा हम यानी अब हमारा मसला क्या है हमारा मसला यह है कि हमने दीन को बेच के मैं अल्फाज़ ज़रा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन यह है कि हकीकत है ये दीन को बेच ले बेच कर दुनिया का सौदा कर लिया अब ये देखें दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए नहीं पैदा किया एक बात जो है जो हमारी गलतफहमी है कि हम ये समझते हैं कि हम दुनिया के लिए पैदा किए गए हैं यानी हमारा यकीन ये है कि हमारी पैदाइश दुनिया है असल दुनिया है मेरा जिसम भी यही असल है और यही मुस्तकबिल है जो पचास साल बाद मेरे सामने पेश आएगा और मुझे अब घर बनाना चाहिए मुझे आ, आला तालीम चाहिए डिग डिग्री चाहिए बड़े कारोबार के लिए लंबा पैसा चाहिए तो ये सारी बातें जो हैं हम ऐसा कर रहे हैं यानी इसी का हम शिकार हैं ऐसे माहौल का लिहाजा बात यह है कि अगर यानी ये, ये सारी बातें अगर ऐसी ऐसी हुई ना ये सूरत फिर हम पे लागू होगी इसमें एक मज़मून अगर आप गौर करें कि फ आसव रसूल रब हिम इन्होंने अपने रसूल की नाफरमानी की अब देखें रसूल की दावत तो अल्लाह की तरफ होती है अल्लाह को आज भी हम आ, ये हमारी समझ में नहीं आता कि अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजार दी जाए और अल्लाह को मंजिल बना के और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के लिए गुजारी जाए जैसा कि वो आयत है ना कि इन न सलाती व ननसुकी व महिया व मम माति रबालमीन कि मेरी ज़िंदगी मेरी मौत तो ये तो रब्बालमीन के लिए है इसका तो कोई शरीक नहीं है ये भी हमारी समझ में नहीं आता दीन जिंदगी को अल्लाह के लिए ख़ालि कर देना ये हमारी समझ में नहीं आता अपने आप को दोजक़ से बचाकर जन्नत में जाने का अहल करार देना दुनिया में ये भी हमारे समझ में नहीं आता बल्कि ये सारे मामल तो हमने छोड़ दिए हैं इसकी हमें परवाह नहीं है देखेंगे देखा जाएगा नेकी कि कर लेंगे अभी तो उम्र ही हमारी क्या है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिल आपका काला होता रहता है यहाँ तक के दिलों को जंग लग जाता है यहाँ तक के दिलों पर ताले पड़ जाते हैं हमारी जो मुझे कहने दें कि हमारी जो हैसियत है वो ये है कि हमारे दिल पर ताले लगे हुए और ये मैं नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि अफलाय तद्दब्बरून क़ुरआनालूबिन अकफ़ाल क्या ये कुरान में तद्दर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले हैं तदब्बर क़ुरान मुद्दतों हो गई हमने छोड़ दिया है हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है कुरान की कुरान को हमने तर्क कर दिया है अगर आप देखें और महसूस करें कुरान को खोलना इसको पढ़ना इसको समझना इस पर अमल करना इससे हमारा क्या वास्ता है ये भी तो देखें एक सोच ऐसी है इसको आप ज़रा देखें तदब्बुर क़ुरान की मैं बात कर रहा था कि तदब्बुर क़ुरान जो है ये तो अल्लाह ने लाजिम कर दिया है किताबन अन अंजल ना अल का ले दब्बरु आयाति ही वले त ज़क कर उलबाप ये आयत है कुरान की ये कुरान मैंने नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयात में अहकाम में इसके मजामी में तद्बर करें सोचें और इससे नसीहत हासिल करें अक़ल वाले अब ये दोनों काम हमने छोड़ दिया है नसीहत हासिल करना कुरान से और तदब्बर करना ये भी हमने छोड़ दिया है तो जब आपने कुरान को तर्क कर दिया है देखें ये ब, बिल्कुल ये नहीं मैं समझता हूँ कि सौ फ़ीसद मेरे अल्फाज दुरुस्त हैं आप इन अल्फाज को झुटला नहीं सकते कि क़ुरान को बतौर हिदायत हमने तर्क कर दिया है ये क़ुरान तो हिदायत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं जो अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहते हैं हमने तो हम अल्लाह तक पहुंचना ही नहीं चाहते अल्लाह की मारिफत, ना हम तलबगार हैं अल्लाह की मारिफत के ना हम तलबगार हैं अल्लाह के कुर्ब के ना हम तलबगार हैं अल्लाह की मुलाकात के ना हम तलबगार हैं अल्लाह के दीदार के अब इस सूरत में तो कुरान तो में हमारे लिए कुछ भी नहीं है यानी हम जब तलबगारी नहीं है बातिन के अल्लाह के योम आखिरत में कामयाबी के तो कुरान में हमारे लिए फिर कुछ बाकी नहीं रहता अब आप देख लें मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि आप ख़ुद देखें कि कुरान की आपकी नज़र में क्या अहमियत है सिवाय नाजरा सिवाएफ क़ुरान और सिवाय तिलावत बेगम साहिबा जो हैं वो शोहर को लात मार देती हैं किसी भी वजह से नाराज हो जाती हैं फिर कुरान लेके पढ़ने लगती हैं यानी मैं एक इसी तरह शौहर साहब यानी सुबह उठ के नमाज फजर जा रहे हैं और बीवी के हुकूक़ नहीं अदा कर रहे हैं। और तहजद भी बाज़ात पढ़ते हैं ऐसे लोग है। वैसे मैं पाँच वक्त के नमाजी जो हैं बीवियों से बुरा सलूक करते हैं पाँच वक्त के नमाजी ये मेरे उसमें है मेरे नोटिस में है, आपको मालूम है सामने लंबी लम्बी दाढ़ियाँ रख के सर पे पगड़ियाँ बांध के बीवी से बुरा सलूक कर रहे हैं तो देखें कुरान को तो हमने तर्क किया भाई ना हमें उसकी ज़रूरत है आप मुझे सच्ची सच्ची बताएँ क्या कुरान की कभी हमने कोई ज़रूरत महसूस की है कि इसको हम समझने की कोशिश करें नो क्या ज़रूरत है समझने के? इसी तरह आप अपने औलाद को देखें ख़ुद हम ज़रूरत नहीं महसूस करते तो इसी तरह फिर अपनी औलाद को भी उस रास्ते पर हम डालना नहीं चाहते आप अपने बच्चे को रोशन ख़्याल इंग्लिश बोलने वाला अक्सर ये होता है ना ये एक मरज़ है कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोले और बाद स्कूलों में बड़े ज़ोर दिया जाता है मैंने ख़ुद एक प्रिंसिपल थी और बड़े ये नहीं मेरा तो स्कूलों से थोड़ा सा वास्ता रहा है ना तो वो ये है ना कि हम वो यानी एक कॉलेज जैसा था एक स्कूल तो वो इंग्लिश में बच्चों से इंग्लिश में बात करते थे फिर एक प्रिंसिपल के अल्फाज से मैंने कि हम मैं मेरा मोटो ये है कि मेरे बच्चे स्कूल के इंग्लिश बोले इंग्लिश में बात करें तो ये आपका सिस्टम है सारा कि आपने अल्लाह को भुला के आरबी ज़बान को भुला के कुरान फ़हमी को भुला के इंग्लिश फ़हमी का आपका बड़ा वो है और बाज़ बच्चे आप देख लें स्कूलों की ये हमारी ज़हनीत है कि बच्चों को हम इंग्लिश पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं बाज़ अवकात अपने यानी जो नाम लेते हैं तो उसके भी हम अंग्रेज़ी में उनसे बात करते हैं यानी अलफाज जो है कि ये अंग्रेज़ी में उनसे अल्फाज बोलते हैं या बुलवाते हैं तो बहरहाल मैं यानी मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान से हमारा क्या वास्ता है यानी हमारा जो ज़बान हाल से हम बात कर रहे हैं ना कि कुरान से हमारा क्या लेना देना है और मैं इस सूरत के मज़मून की मैं बात कर रहा था कि ये जो हम आयत पढ़ रहे हैं, अब इसके मैं आपको यानी थोड़ी सी मेरे ख़्याल से मैंने आपको तर्जुमा भी नहीं सुना लेकिन तर्जुमा मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ अल्का मल हाक्का व मा अद्र का मल हाक्का हाका कहते हैं एक चीज़ जो होने वाली है सचमुच होने वाली चीज या पैवस्त होने वाली चीज और तुम क्या जानो मल के हक्का क्या चीज है क्या चीज पेवस्त हो गई तुम क्या जानो फिर वो तफसी तला बयान कर रहे हैं अब यह है ना कि ये होने वाली जो है हम तो इससे गाफिल हैं क्या चीज होगी भी कब होगी अब यहाँ तक कि हमने मौत को भी भुला दिया है हमारी हालत जो है ना ये बहुत बुरी है सामने क्रम अपने आप को हम नहीं पहचान पा रहे अपनी हकीकत को फिर जब आपने अपनी हकीक़त को नहीं पहचाना और उसको यानी आपको धोखा लग गया ज़ाहिर का कि मैं बस यही हूँ जो नज़र आ रहा हूँ तो फिर तो आपका सारा सिस्टम जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका सारा जो ज़िंदगी का निज़ाम है ये तितर बितर हो जाएगा अगर आपने अल्लाह को भुला दिया आप अपने आप को भूल जाएंगे जब आप अपने आप को भूल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी यकीनन नुकसान का शिकार होगी ये बात नोट कर लें यानी अगर आपने अल्लाह को भुला दिया बहसीत खालक मालिक और उसकी मंशा न जानी कि उसने आपको क्यों पैदा किया है फिर आप अपने आप को भी भूल जाएंगे फिर आप क़ुरान से रुजू करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करेंगे देखिए ये एक बात तो है ना कि हमने हमको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है जब हम ये सवाल करते ही नहीं हैं अपने मालिक और मौला से और इसका जवाब तो कुरान में है तो जब हम ये पूछते नहीं हैं या ज़रूरत नहीं महसूस करते तो फिर कुरान की हमें क्या ज़रूरत होगी कुरान में वो जवाब है कि इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया है और इसका रास्ता क्या है कामयाबी का लेकिन हमें उस रास्ते से क्या नमाज में अल्बत्ता मांगते रहते हैं एह देना सिरातल मुस्तकीम और जानते नहीं हैं कि सिरात मुस्तकीम है क्या चीज़ अक्सरियत जो है नहीं जानती कि सिरात मुस्तकीम का मतलब क्या है बहरहाल मैं तब्रब के लिए ये आयत चंद पढ़ता हूँ मेरे साथ दोहराइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما aqah Swami Vikram ab in ayat ki tilawat aur tarjuma sunte hain Bismillahir In the name of God the gracious the merciful Al Haqq The reality Mal Haqq What 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 is is? the the reality? reality will make you understand what the reality is? इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा इनशा अगले दर्स में मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिलहमदुल्ल रबालमीन वालकम वरहत लबरक